चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें चंदौली से ये बड़ी खबर, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, चार बदमाश गिरफ्तार, एक बदमाश घायल बताया जा रहा है और बदमाशों के पास से 40 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। अलीनगर के बिलहरिया गांव के पास ये मुठभेड़ हुई है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, चार बदमाश गिरफ्तार किए गए, एक बदमाश इसमें घायल हुआ है। बदमाशों के पास 40 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। अलीनगर के बिलरीडी गांव के पास मुठभेड़ हुई है। क्या है पूरा मामला? लगभग 36 घंटे पहले थाना क्षेत्र बलुआ अंतर्गत एक घटना हुई थी, जिसमें एक जो डॉक्टर हैं उनको, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, उनको कुछ व्यक्तियों के द्वारा अगवा कर लिया गया था। इस घटना पर थाना बलुआ में FIR दर्ज की गई तथा इस पर विवेचनात्मक कार्रवाई की गई। इस पर हमको यह सूत्र मिले कि कुछ व्यक्ति हैं जो इस अगवा करने के एवज में फिरौती मांग रहे हैं इनके परिवारीजनों से। इस सूचना पर हमने पुलिस की टीमें बनाई और इन सभी टीमों से आपसी समन्वय के चलते ये आज हमने इसको वर्कआउट कर लिया है घटना को। और इस समय हम जहां पर हैं, यहां से दो लोग जो कि फिरौती की रकम को बरामद करके ले करके और भागने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें पुलिस टीमों ने घेर करके और पकड़ लिया है। उनमें से एक व्यक्ति जो है उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की तो आत्मरक्षार्थ कार्रवाई में उसे इंजरी है, फायर शॉट इंजरी है। और इसके अलावा जो अपहृत हैं उन्हें भी बरामद कर लिया गया है और वहाँ से जहाँ पर अपहृत रखे गए थे उस जगह से भी दो और लोग पकड़े गए हैं, किडनैपर्स पकड़े गए हैं। अभी इनसे पूछताछ की जा रही है, जो घायल है उसको अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करा दिया गया है और लोगों से को भी कस्टडी में लेकर और अन्य किन किन लोगों की इसमें भूमिका है इस तरीके की घटना में फिरौती की उस पर भी काम अभी जारी है। जी, इसमें इनसे जो फिरौती मांगी गई थी वो 70 लाख के की थी।